ये देखें जी, ये डॉग साहब भी इधर KFC आए हुए हैं घूमने फिरने। यार अंदर बैठ बैठ के ना इस ना यानी घुटन सी हो रही थी, तो बाहर अभी आए हुए हैं। बाहर यानी कि देखें, जैसा कि बड़ा फ्रेश माहौल है बाहर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इधर खलारा छलारा हम डाल चुके हैं, खाना छाना खा चुके हैं। सबसे बुरी बात है यार, खा पी के बाहर ही फेंक गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है साहब? की उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अहमद। तो आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ KFC और जेलम के KFC जो कि मदीन चिट्टी रोड के ऊपर लोकेटेड है। और वहाँ पे जाने के लिए मैं साथ दोस्त को लेके जा रहा हूँ एक, और उसको रास्ते में पिक करना है, तो फिर सीधा वहाँ पे चलते हैं। जेलम के KFC की एक बहुत खास बात है जो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। अच्छा, और यानी वहाँ पे जाके बताने में मज़ा आएगा, यहाँ पे बताने का फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा। तो बाकी आप चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगे बड़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो KFC आ गए हैं, अभी अंदर जाएंगे, कोई देखते हैं क्या खाना पीना है क्या नहीं खाना। तो बाकी यहाँ की जो मैंने खास बात आपको बतानी थी वो ये है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ना KFC, वो जेलम का KFC है, एरिया के लिहाज से और जो भी इसका सिस्टम है। यानी वैसे जो एशिया में सबसे बड़ा KFC ना, वो जेलम का। ये देखें, यानी एक तो ये अंदर ब्रांच है, यानी जिस तरह होता है KFC, आप अंदर जाके ऑर्डर वगैरह करें सब कुछ। और ये जो इसका बाकी एरिया ना, ये लॉन सा इन्होंने बनाया हुआ है, ये पार्किंग है, साथ वो मैंने आते हुए दिखाई थी वो पार्किंग है। तो इसलिए ना ये एशिया का सबसे बड़ा KFC है। सबसे बुरी बात है यार, खा पी के बाहर ही फेंक गए। अच्छा जी, तो मैं आया हुआ था दोस्त के साथ, दोस्त तो अंदर चला गया, ऑर्डर वगैरह दे रहा होना, इंतज़ार कर रहा है मेरा, तो अभी अंदर चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी ये एक एरिया है, और ये पीछे वाशरूम है, ये लेडीज़। हाँ, दिए ही कौन दिया? ने ऑर्डर किया है दो जिंगर हैं विद मील, और साथ दो चिकन पीसीज हैं, फ्राइज हैं और दो कॉर्न की हैं। जी, तो ऑर्डर हमने दे दिया है, और अभी उसमें तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे, तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जैसे ही ऑर्डर आता है फिर आपको दिखाता हूँ सारा सीन्स वगैरह। यार एक और बात, कि जब भी आप KFC या मैकडोनल्ड वगैरह पे जाएँ ना, तो कभी भी अपने, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो कभी भी पीसीज ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से अगर भूख ज़्यादा है तो आप बर्गर वगैरह करवा लें ऑर्डर, पीसीज उसके बाद करवाएँ, ताकि थोड़ा हौसला हो जाए। आप जी, खाना छाना जारी है, अब ये एक पीस रह गया था हमारा, ये उन्होंने अभी दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इधर खलारा छलारा हम डाल चुके हैं, खाना छाना खा चुके हैं जी। तो खाने के बाद मीठा तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो अभी ये कॉर्न वगैरह खाएंगे। यार अंदर बैठ बैठ के ना इस ना यानी घुटन सी हो रही थी, तो बाहर अभी आए हुए हैं। बाहर यानी कि देखें, जैसा कि बड़ा फ्रेश माहौल है बाहर, तो ईजी माहौल, यहाँ पर आप बैठेंगे, आइसक्रीम्स वगैरह खाएँगे, उसके बाद चलेंगे घर। और यार ओवरऑल यानी बर्गर वगैरह और पीसीस वगैरह जो हमने खाए थे, नॉर्मल खाए थे, स्पाइसी नहीं खाए थे, बड़े ज़बरदस्त थे। बर्गर भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था, अभी ये कॉर्न भी माशाल्लाह बहुत मज़े की है, और यानी मैं तो यही बोलूँगा कि बेस्ट था। यानी हमने खाया था जिंगर, दो जिंगर थे, साथ थे फ्राइज थे और पीसीस थे, और ये कॉर्न है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा KFC का। ये देखें जी, ये डॉग साहब भी इधर KFC आए हुए हैं घूमने फिरने, चिल कर रहे हैं, वो पीस पीस बीच में से निकाल लिया उसने, चलो चिल करें, जा रहे हैं घर वापस। मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, ये मैं दोस्त के फ़ोन पे बना रहा हूँ थोड़ी सी।
अच्छा जी, तो के एफ सी से वापस आ गया हूँ और वहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, तो इस वजह से मैं वहाँ पे मज़ीद जो है आपको रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सका, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सका वहाँ पे, तो उसके लिए माजरत। बाकी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आएगा मैकडोनल्ड्स का रिव्यू आएगा और मज़ीद दो तीन यानी यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे हैं लेकिन यानी कि मेन मेन यही है ना, के एफ सी, मैकडोनल्ड्स, सबवे वगैरह और ओ पी टी पी है, ठीक है, उनका रिव्यूज़ वगैरह आएंगे तो वो देखना भी ना भूलिएगा। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना तो आपने यानी कि मस्ट ही करना है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।